हम लोग वीक वाइज जा रहे हैं, हमें कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स के बारे में नहीं पता है। राइट नाउ तो वही है कि शादी हो चुकी है अनुपमा की, तो उसी चीज़ को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इन एवरी एस्पेक्ट्स एंड या दैट्स इट। आगे का आपको जानना है तो आपको शो देखना पड़ेगा। मैं अभी जैसे बता दूँ कि तो टीआरपी गिरा दोगे आप। शी इज़ फैबुलस, शी इज़ अमेजिंग एंड शी इज़ ऑलवेज बीन डूइंग अमेजिंग जॉब। शी इज़ कमिंग बैक आफ्टर लाइक 5-6 ईयर्स एंड मैं बहुत खुश हूँ एंड मैं उनको बेस्ट विशेस देती हूँ कि आगे वो ऐसे ही अमेजिंग अमेजिंग क्लोथ्स लेकर आए। फैशन मंत्र की बात करें तो क्या होगा? आई थिंक कंफर्टेबल रहना, फैशन को फॉलो करना विद कंफर्ट इज फैशन फॉर मी। ट्रेंड्स को फॉलो करना विद कंफर्ट इज फैशन फॉर मी। सॉरी, मॉनसून आ रहा है तो क्या ऐसा फॉर्मल टिप देना चाहिए या क्या ट्रेंड फॉलो करना चाहिए? बारिश के टाइम पे तो सब भीगते ही रहते हैं, तो जितना आप शॉर्ट्स पहनो, जितना आप हल्के कपड़े पहनो तो उतना अच्छा रहेगा। ज़्यादा हील्स मत पहनो, यू नो स्लीपर्स पहनो ताकि कंफर्टेबल रह सको। ये मत पहनना, वाइट मत पहनना। ओके, अनुपमा की बात करें तो हमेशा टॉप चार्ट में रहा है और जो कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू हमेशा बना रहा है। तो ट्विस्ट एंड टर्न्स की बात करें तो लोगों को हमेशा उत्साहित रहती है, उसके बारे में कुछ अगर देना चाहिए? हम लोग वीक वाइज जा रहे हैं, हमें कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स के बारे में नहीं पता है। राइट नाउ तो वही है कि शादी हो चुकी है अनुपमा की, तो उसी चीज़ को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इन एवरी एस्पेक्ट्स एंड या दैट्स इट। आगे का आपको जानना है तो आपको शो देखना पड़ेगा। मैं अभी जैसे बता दूँ कि तो टीआरपी गिरा दोगे आप।